स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी जो है सारा काम मेरा हो गया है इस ड्रेस में, नाइटी में पहनी थी। और फ्रेंड का जो है रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि मैम आप जो है ना सलवार और टॉप में यानी कि कुर्ती सलवार में ब्लॉग बनाए, वो भी क्लोथ वॉशिंग। तो इसके लिए मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं हो जाती हूँ तैयार। और जो भी फ्रेंड का रिक्वेस्ट आता है हम तो करते ही हैं, लेकिन आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। अभी जो है मैं कर रही हूँ तैयारी, जो भी रिक्वेस्ट था कि ड्रेस पहन के क्लोथ वॉशिंग करने के लिए, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ तैयारी। और ज्यादा व्यूवर्स हमारे बोलते रहते हैं कि मैम पायल फिट वीडियो साथ में रहने दीजिए, आप पायल पहनते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए भी पायल वगैरह हम पहन लेते हैं। और ये छन छन बोलते रहते ना फ्रेंड्स, तो हमारा तो बाकी टाइम क्यों खोल के रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे पैर में छन छन करते रहता है और मुझे लगता है कोई और आ रहा है, इसके लिए भी मैं खोल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कर लेते हैं बाल को, बांध लेते हैं अच्छे से और वीडियो में बने रहिए। जो भी चीज मैं आप सभी का रिक्वेस्ट करने वाली हूँ फुल वीडियो देखिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स मेरे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बांध लेते हैं अपने बाल को अच्छे से। और मेरी जो स्टाइल रहता है ना, इसी स्टाइल में मैं हमेशा रहना पसंद भी करती हूँ। और ये स्टाइल जो है मेरे हेयर स्टाइल का जो रहता है ना, मेरे चेहरे पे अच्छा भी दिखता है, तो इसके वजह से। और यहाँ पे मैं जा रही थी मेरे बेडरूम में, सेकेंड बेडरूम जो है मेरा, तो यहीं का जो है मुझे क्लीनिंग भी करना था। और ये जो है बेड शीट उसको भी मुझे वॉश करना है, इसके वजह से ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मेरे जो फ्रेंड है बोले हुए हैं कि क्लीनिंग करके क्लोथ वॉशिंग करना और पाइप फिट वीडियो, तो ये सब करने के लिए मैं। और दिवाली की अभी जो है ना साफ सफाई चल रहा है फ्रेंड्स, और साफ सफाई और ये मच्छरदानी जब हम बंद करते हैं तो मेरा दिमाग घूम जाता है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि किधर से भी मोरूंगी तो टूट जाएगा, लेकिन मोड़ती हूँ ना तो इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि ये बनने होता। अभी चेन मैंने ऐसे ही रख दिया, चेन लगता है इसका क्योंकि मुझे फिर से क्या बोलते हैं उसको रात में लगाना ही है इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरा जो बेड शीट निकालने का प्रोसेस अभी चालू हो गया है, तकिया का कवर निकाल लिए हैं। तकिया कवर हम जैसे निकाल लेते हैं वैसे हम बेड को निकालते हैं। तो ये बेड में जो है हमने पूरे चारों तरफ से जो है ना रस्सी और लास्टिक जो है ना ये हो रहा था, लूज हो रहा था और उसको जो रिंकल बन रहा था, तो हम दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है ऐसा रिंकल बेड वगैरह में आता है तो नहीं पसंद होता है, तो इसलिए हम रस्सी सिलाई करके उसमें डोरी डाले और उसके बाद हम बांध देते हैं ना, तो ये किधर भी हिलता डुलता नहीं है। और इसका वीडियो हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं अपने चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा बेडशीट में जो हम रस्सी लगाए थे ना इसके लिए। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये न्यू बेड है हमारी, और इसको जो है ना 10 दिन में 15 दिन में मुझे साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये फुफरी जैसा हो गया है और न्यू है बेड, और इसकी जो अंदर का जो पार्ट होता है ना उसमें देखिए इस तरह से ऐसा बबल जैसा ऐसा जो होता है ना पाउडर उस टाइप बन जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये किस वजह से होता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना गंदा लगता है ना साफ करने में भी, और इसका पाउडर सा वो कपड़े में भी यहाँ पे, जैसे कि जो कपड़ा मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ तो अभी ये जो है ना कपड़ा बाकी का जो है यहीं पे रखी हूँ,
तो इसके वजह से ना इसमें जा रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और जब भी आती हूँ इसको खोलती हूँ साफ करती हूँ तो इस टाइप का रहता है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में कि ये क्यों होता है और किस वजह से नहीं आएगा, वो चीज़ मुझे करना चाहिए। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम बेड का जो ये है तक गद्दा, उस पे प्लास्टिक अभी तक लगा हुआ ही है और सेफ्टी के लिए भी लगाए हुए थे, और लेकिन अभी जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको 1.5 साल से ऊपर हो गया है फिर, लेकिन अभी तक प्लास्टिक जो है ना अभी अभी फट रहा है। और बाकी का जो भी मुझे कपड़ा धोना था वो हम लेके चल रहे हैं। 2 साड़ियाँ जो मैं 2-3 दिन वीडियो बना के रखी हुई थी, और बाद में हम जो ये क्या करते हैं लिपाई पुताई भी किए थे। तो फ्रेंड्स जो भी रिक्वेस्ट था कि क्लोथ वॉशिंग करना ड्रेस लगा के, तो अब जो है रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए आ गई हूँ। और क्या बोले हैं करके परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए बोले थे, तो चलिए हमने कर लिया है। और इतना तो करना ही था क्योंकि कपड़ा नहीं तो हमारा गिल्ला हो जाते। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, सर्फ डालेंगे इस बकेट में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट समय तक। तो फ्रेंड्स आप सभी का जैसे ही कमेंट आप लोग ने किए हुए थे उसी स्टाइल में वीडियो में बनाने की तो बहुत ही प्रयास करी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को ये वीडियो हमारी कैसे लगे ना ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो हम परफेक्ट कर पाए कि नहीं। और आगे जो है आप लोग म्यूजिक के साथ थोड़ा एंजॉय कीजिएगा वीडियो, और फिर जैसे हमारा कपड़ा वगैरह वॉश करके हो जाते हैं ना तो फिर हम मिलते हैं आप सभी से बातचीत करेंगे। तो म्यूजिक के साथ वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो। आशा करूँगी कि आपको म्यूजिक के साथ भी ये हमारी वीडियो पसंद आएंगे। तो आगे बात करते हैं। Oh, oh, oh.
भी रिक्वेस्ट था, हमने करने की कोशिश किया, जैसे कि आपने बोले थे कि क्लीनिंग करके क्लोथ वॉशिंग करना, तो हमने किए और जिस एंगल से करने के लिए बोले थे वैसा ही सेम हम करने की तो प्रयास किए हैं। लेकिन आप सभी आप बोले थे कि फिर वीडियो बनाए, तो वो सब हम इसमें ऐड किए और आप सभी हमारे वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इसी तरह से। और हमारे वीडियो आप सबको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे जब आप सभी का रिक्वेस्टेड वीडियो बनाते हैं और उसका जब ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है तो हम आप सभी का रिक्वेस्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे आप सभी का जो भी रिक्वेस्ट है। जो भी मेरे व्यूवर्स बोल रहे हैं ना कि मैम हम कमेंट कर रहे हैं तो आगे पीछे हो जा रहा है, तो जिसका मुझे कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो उसका वीडियो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, सभी का हम रिक्वेस्ट वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। आप सभी से अभी विदा लेते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे नए रिक्वेस्ट लेके, नए रूटीन के साथ, नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय, आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियां बांटिए। तब तक के लिए बाय बाय।